लॉ ऑफ टॉर्च के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, क्षति की दूरदर्शिता या हानि की दूरदर्शिता। अपने अब तक के वीडियोस में हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्च को डिटेल में कवर किया है, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, लॉन्ग टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अदर वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा। साथ ही अगर आप नोट्स पाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, दिस इज आवर टॉपिक। यानी हानि की दूरदर्शिता, बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्च में हमने ये जाना कि एक पर्सन जब कोई एक्ट करता है जिससे दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उस पर्सन को हम कहते हैं टॉर्टफीजर या रॉन्ग डूअर। एक पर्सन जिसके रॉन्गफुल एक्ट के वजह से दूसरे पर्सन के लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ उस पर्सन को हम कहते हैं टॉर्टफीजर और रॉन्ग डूअर। और वो पर्सन जिसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ या रॉन्ग सीकर। लॉ ऑफ टॉर्च अपने आप में उन सभी रॉन्ग्स के बारे में बात करता है जो कि सिविल रॉन्ग्स हैं। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्लियरली टॉर्ट को डिफाइन करता है। तो एक बार अगर किसी पर्सन के किसी एक्ट या ओमिशन के वजह से दूसरे पर्सन के लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो जो रॉन्ग डूअर है ही इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द प्लेंटिफ और टू द टॉर्ट सीकर। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज कि ये जो टॉर्ट फीजर है या ये जो रॉन्ग डूअर है अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए किस हद तक लाइबल है। टू व्हाट एक्सटेंट दिस टॉर्ट फीजर इज लाइबल फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट, किस लिमिटेशन तक ही इज लाइबल टू पे द कॉम्पनसेशन, किस कॉन्सिक्वेंसेस तक ही इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। तो जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है वो हमारे इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में बेसिकली हम ये असर्टेन करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि टॉर्टफीजर या रॉन्ग डूअर किस हद तक अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल है। राइट, तो आई होप कि जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस इसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के तहत जो टॉर्ट फीजर है या जो रॉन्ग डूअर है वो उस हद तक लाइबल है जिस हद तक वो एंटिसिपेट कर सकता है कि हाँ उसके इस एक्ट के वजह से इस हद तक लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, इस हद तक
डैमेजेस हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जिस हद तक टॉट फ्रीजर सोच सकता है कि उसके उस एक्ट के वजह से ये पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, उस हद तक ही इज लाइबल टू पे द कॉम्पनसेशन। दिस इज व्हाट कॉल्ड रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। इन टॉट लॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस रेफर्स टू दैट आइडिया दैट अ डिफेंडेंट इज ओनली लाइबल फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देयर एक्शंस। लॉ ऑफ टॉट में जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक पर्सन जो कि डिफेंडेंट है, तो उसके उस एक्ट के वजह से जो भी एक्शंस अराइज हुए उन एक्शंस के लिए वो लाइबल है। एंड इफ दैट हार्म वॉज फोर्सिबल एट द टाइम उफ रॉन्ग डूइंग, तो रॉन्गफुल एक्ट करते समय अगर वो जान रहा है कि उसके इस एक्ट के ये संभवतः परिणाम हो सकते हैं, तो वहां तक वो लाइबल है, राइट। इफ द हार्म सफर्ड बाय प्लेंटिफ वॉज टू रिमोट और अनफोर्सिएबल, अब जरा समझो कि इस टॉट फीजर या रॉन्ग डूअर के किसी एक्ट के वजह से प्लेंटिफ को कोई डैमेज हुआ और वो जो डैमेज हुआ इट वॉज फार अवे, यानी उस लास्ट कॉन्सिक्वेंस का इसके इस एक्शन से कोई रिलेशन नहीं था, या रिलेशन था भी तो इट वॉज टू रिमोट। और उसके पहले सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स थे, आपस में कनेक्टेड थे। तो टॉट फ्रीजर या रॉन्ग डूअर केवल उसी हद तक लाइबल है जिस हद तक वो या उस सिचुएशन में कोई अदर ऑर्डिनरी पर्सन रहता है, तो वो एंटिसिपेट कर सकता है कि उसके इस एक्ट के ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। टॉट फ्रीजर है जो रॉन्ग डूअर है, कोई एक्ट कर रहा है, तो उस एक्ट का कोई एक सिंगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है या मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या जिसे आप सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हो। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस ये कंफर्म करता है कि जो टॉट फ्रीजर है, जो रॉन्ग डूअर है, वो अपने एक्ट के वजह से जो भी मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उन सबके लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इट इज अनफेयर, इट इज अनजस्टिस फॉर हिम। द कंसेप्ट ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस इज एन important element of law of torts because it stabilizes a causal connection between defendant's action and plaintiff's harm and limits the extent to which defendant can be held responsible for harm suffered by plaintiff. तो बेसिकली रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस टॉट फ्रीजर के लाइबिलिटी को लिमिट करता है, राइट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, नाउ वंस द डैमेज इज कॉज्ड बाय रॉन्ग, किसी रॉन्गफुल एक्ट के वजह से कोई डैमेज हुआ, कोई लॉस हुआ, देयर हैव टू बी लाइबिलिटीज, तो वहां जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। द क्वेश्चन इज हाउ मच लाइबिलिटी कैन बी फिक्स्ड
एंड व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइंस इट. तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस इसी क्वेश्चन को एश्योर करता है कि उस पर्टिकुलर डिपेंडेंट की कहां तक लायबिलिटी है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लायबिलिटी को निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन करेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस इज रेलेवेंट टू सच केसेस. एन इवेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रॉन्ग कैन कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कॉन्सिक्वेंस और मे कॉन्स्टिट्यूट सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. तो उन केसेस में, उन रॉन्ग्स में रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वोजल रोल प्ले करता है जिसमें किसी एक इवेंट के मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या किसी एक इवेंट के सिंगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस उन केसेस में हमें हेल्प करता है लायबिलिटी को फिक्स करने में, डिटरमाइन करने में, जिसमें टॉर्टफीजर के एक्ट के वजह से मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं. तो ये जो डैमेजेस हैं जो प्लेंटिफ सफर कर रहा है, बियर कर रहा है, इन डैमेजेस को हम तीन पार्ट्स में या तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला प्रॉक्सिमेट डैमेज, दूसरा रिमोट डैमेज या रिमोट कॉज, और तीसरा टू रिमोट कॉज. नाउ ये जो प्रॉक्सिमेट डैमेज है इसे हम कहते हैं इमीडिएट डैमेज. या डायरेक्ट डैमेज. वी हैव वन केस हियर प्रॉक्सिमेट डैमेज का. हमारे पास एक केस है स्कॉट वर्सेस सेफर्ड. इस केस में क्या था कि A was a person इसने एक पटाखा फेंका पब्लिक के ऊपर एंड देयर वॉज गैदरिंग ऑफ मैनी पीपल. तो ए ने पटाखा फेंका, ही थ्रू अ लाइटेड स्क्यूब ऑन पब्लिक, और ये जो लाइटेड स्क्यूब है ये आके गिरता है किस पर, एक्स पर. एक्स अपने बचाव के लिए इसे फेंकता है वाई के ऊपर एंड वाई इन रिटर्न डिड द सेम थिंग एंड इट फेल ऑन बी, और वाई अपने बचाव में बी पर ये इस पटाखे को फेंक देता है. And as a result of which, B lost his eye vision. B अपने eyesight को खो देता है. तो यहां पे A को liable ठहराया गया. Now अपने defense में A ने यह कहा कि जो consequence हुआ, जो loss हुआ, वो उसके act से too remote था. It was far away from his own act. और ये जो defendant है Sefford, defense shot by Sefford but was rejected by court and court stated that it was easily foreseeable and was proximate, so defendant is liable to pay compensation. तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज इसका डिफेंस लेते हुए डिफेंडेंट सेफर्ड जिसने, जो कि ए था, जिसने लाइटेड स्क्रूप एक्स पर फेंका, एक्स ने अपने बचाव में वाई पर फेंका, फिर वाई ने अपने बचाव पे बी को फेंका एंड फाइनली बी ने अपने आई साइट को खो दिया. तो कोर्ट ने यह कहा
कि क्योंकि जो जो डैमेज था इट वॉज टू प्रॉक्सिमेट, इट वॉज टू इमीडिएट, और आप ये एंटिसिपेट कर सकते थे कि अगर आप पटाखा फेंकते हो तो किसी पर्सन को इंजरी हो सकता है, तो इतना आप एंटिसिपेट कर सकते हो। तो आपका ये डिफेंस कि जो आई शाइट बी ने अपना खो दिया, वो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, एंड दैट कॉन्सिक्वेंस वॉज टू रिमोट फ्रॉम हिज एक्ट, तो ये डिफेंस नहीं मिला ए को, और ए को लाइबल ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्शन था इट वॉज प्रॉक्सिमेट, इट वॉज इमीडिएट, और उस एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उन्हें आसानी से एंटिसिपेट किया जा सकता है, राइट? तो ये तो प्रॉक्सिमेट डैमेज यानी इमीडिएट डैमेज, डायरेक्ट डैमेज के लिए था केस। तो इससे ये चीज कंफर्म हो रहा है कि अगर आपके एक्ट के वजह से इमीडिएट डैमेज हो रहा है, डायरेक्ट डैमेज हो रहा है, और उस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस को आप एंटिसिपेट कर सकते हो, यू मे फोरसीन दैट कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके लिए आप लाइबल हो एंड यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन, राइट? ना रिमोट कॉज को लेकर के हमारे पास केस है हेन्स वर्सेस हार्बुट, जिसे हमने रेस्क्यू केसेस में पढ़ा था, हेन्स वर्सेस हार्बुट। इसमें क्या था कि जो डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट के सर्वेंट ने क्राउडेड प्लेस पर एक हॉर्स लाया और उस हॉर्स को टाई करना यानी उस हॉर्स को बांधना, स्टेबल में बांधना वो भूल जाता है, और कुछ बच्चों के द्वारा बदमाशी कर दिया जाता है और ये बच्चे उस हॉर्स पर पत्थर फेंक देते हैं, घोड़ा बिदक जाता है और भागने लगता है। तो नजदीकी में पुलिस स्टेशन भी रहता है, एक पुलिस वाला देखता है और वो बच्चे को और उसकी माँ को बचाने के लिए दौड़ता है, जिसमें उसे इंजरी हो जाता है, राइट? तो इसमें ये डिफेंस लिया जाता है रॉन्ग डूअर के द्वारा कि देयर वॉज नोवस एक्टस इंटरवेनियंस, यानी एक नए एक्ट के वजह से ये सभी डैमेजेस हुए, और वो एक्ट क्या था, थ्रोइंग ऑफ स्टोन बाय द चाइल्ड, बच्चे का घोड़े के ऊपर पत्थर फेंकना, पत्थर मारना। तो यहां पे डिफेंस लिया गया कि बच्चों के द्वारा जो मिसचीफ किया गया वो प्रॉक्सिमेट कॉज था, ना कि उस सर्वेंट के द्वारा उस घोड़े को अनअटैच पोजीशन में छोड़ देना। कोर्ट ने इस डिफेंस को नहीं माना और ये कहा कि आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि अगर आप क्राउडेड प्लेस में घोड़े को खुला छोड़ दे रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यस, देयर वॉज मिसचीफ बाय दैट चाइल्ड, और उस चाइल्ड के जगह कोई दूसरा पर्सन होता तो वो भी लाइबल होता, लेकिन जो प्रॉक्सिमेट कॉज था वो आपका नेग्लिजेंट था, आपको जो घोड़ा है उसे अनअटैच्ड नहीं छोड़ना था, और आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि अगर आप उस घोड़े को अकेला छोड़ देते हो तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहां ये कहा गया कि हाँ, भले ही जो मिसचीफ था इट वॉज प्रॉक्सिमेट कॉज एंड नेग्लिजेंट ऑफ सर्वेंट वॉज रिमोट कॉज,
मतलब इट वॉज फार अवे, लेकिन दैट माइट बी एंटिसिपेटेड, उसे आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि आपके उस लापरवाही का क्या नतीजा हो सकता है, तो इसलिए यू आर लाइबल। तो यहां से हम ये सीख रहे हैं कि एक तो आप लाइबल हो उन सभी डैमेजेस के लिए जो कि रिजल्ट है प्रॉक्सिमेट कॉज के, और साथ ही आप उन सभी डैमेजेस के लिए भी लाइबल हैं जो कि रिजल्ट है रिमोट कॉज का, अगर आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि आपके उस एक्ट के वजह से क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अब तीसरा सिचुएशन है टू रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस, तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है, पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाया जा रहा है, प्लीज आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर कर दीजिए। नाउ टू रिमोट कॉजेस, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अ पर्सन वॉज ड्राइविंग कार विद फुल स्पीड और इसने फुटपाथ पर एक लड़की को हिट कर दिया, ठोक दिया, लड़की अचानक से गिरती है और आगे एक साइकिल वाला जा रहा होता है, तो ये लड़की जब गिरती है तो अचानक से अपने हाथ से इस साइकिल के ब्रेक को दबा देती है जिससे इस साइकिल वाले का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और आगे से एक फ्यूल टैंकर आ रहा होता है। जब ये साइकिल मैन अपने बैलेंस को लूज कर देता है, इधर से जो फ्यूल टैंकर आ रहा होता है वो इसे बचाने के चक्कर में अचानक से ब्रेक मार देता है और जो ब्रिज होता है जिस पर ये सभी गाड़ियां चल रही होती हैं, इस ब्रिज को तोड़ते हुए ये फ्यूल टैंकर नीचे रिवर में गिर जाती है। जो लॉक है टैंकर का वो खुल जाता है और पूरा जो ऑयल है वो फैल जाता है। तो यहां देखो, एक्ट हुआ एक जिसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल गए, तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस हमें ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी किस हद तक है, क्या ये डिफेंडेंट इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लाइबल है। तो हमने समझा नहीं, केवल प्रॉक्सिमेट कॉज के लिए और उन सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जिसे एंटिसिपेट किया जा सकता है किसी पर्सन के द्वारा उस सिमिलर सिचुएशन में। तो क्या ये पर्सन, ये जो एक्ट हुआ इस टैंकर का नदी में गिरना, पुल तोड़ करके और पूरे ऑयल का स्पिल होना, टैंकर का डूबना, क्या इस इंसिडेंट के लिए ये पहला पर्सन हु वाज ड्राइविंग द कार इज ही रिस्पॉन्सिबल? तो आंसर इज नो, क्योंकि इतने सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम इसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये रेयर ऑफ रेयर केसेस में हो सकता है। तो जिस हद तक आप चीजों को एंटिसिपेट कर सकते हो उस हद तक आप लाइबल हो, या उस सिमिलर सिचुएशन में कोई अदर पर्सन उस चीज को रियलाइज कर सकता है कि हाँ उसके इस एक्ट के ये संभवतः परिणाम हो सकते हैं, तो उसके लिए वो लाइबल है। नाउ इन दिस केस द गर्ल बीइंग हिट इज डायरेक्ट डैमेज एंड इट इज डायरेक्ट डैमेज कॉज्ड बाय एक्ट ऑफ ए दिस कार ड्राइवर। द डैमेज caused to cyclist is proximately caused by falling of this girl. तो यहां पे proximate cause क्या है? Falling of that girl. And is remote to the act of A. तो यहां तक anticipation हो सकता है, लेकिन यहां तक anticipation नहीं हो सकता है क्योंकि फिर ये too remote हो जा रहा है, right? तो I hope
कि जो प्रॉक्सिमेट कॉज, रिमोट कॉज, टू रिमोट कॉज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अब तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी रूल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज इज द फैमिलियर आइडिया दैट अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन समवेयर एंड इट वुड बी अनएक्सेप्टेबली हार्ड फॉर एवरी टॉट फिजर to be responsible for all consequences which he has caused. तो क्या कह रहा है कि ये अनजस्टिस होगा इस टॉट फीजर के लिए कि उसके द्वारा किए गए एक्ट के वजह से जितने भी डैमेजेस हो रहे हैं हम उन सब के लिए इसे लाइबल ठहरा रहे हैं, इसलिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि किस हद तक ये लाइबल है। या किस हद तक हुए लॉसेस के लिए इसे रिकवरेबल बनाया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा, किन हद तक के लॉसेस के लिए ही इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। तो इसके लिए जजेस ने दो फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट किया है। इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस यानी हानि के दूरदर्शिता को निर्धारित किया जाता है उस एक्सटेंट तक के लॉसेस के लिए जो कॉम्पनसेशन है उसे निर्धारित किया जाता है। और ये जो दो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहला है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, और दूसरा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। तो इन दो टेस्ट के बेसिस पर टॉट फीजर के लाइबिलिटी को असर्टेन किया जाता है, राइट। तो हमने रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया। नाउ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस बेसिकली जो टॉट फीजर है, जो रॉन्ग डूअर है, उसके लाइबिलिटी को डिटरमाइन करता है। थ्रू रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस द लाइबिलिटी ऑफ टॉट फीजर और रॉन्ग डूअर इज डिसाइडेड। किस हद तक टॉट फीजर अपने एक्शन के लिए लाइबल होगा, अगर जो भी टॉर्चियस एक्ट उसने किया है उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट के तहत हम क्या करते हैं, उसके लाइबिलिटी को डिसाइड करते हैं। यानी इन अ गिवन सिचुएशन अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन कोई टॉर्चियस एक्ट करता है और वो उस गिवन सिचुएशन में ये एंटिसिपेट करता है या वो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि उसके इस टॉर्चियस एक्ट के क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो जिस हद तक, जिस लेवल तक वो एंटिसिपेट कर सकता है, वो प्रिज्यूम कर सकता है, उस हद तक वो लाइबल है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली टॉट फीजर या रॉन्ग डूअर के लाइबिलिटी को डिसाइड करता है। हमने ये जाना कि जो टॉट फीजर है वो प्रॉक्सिमेट डैमेजेस के लिए लाइबल है, ही इज लाइबल for the proximate damages due to his tortious act. He is liable to the remote causes also. But he is not liable for all those consequences which are too remote from the original tort. Which was committed initially. Right. तो कोर्ट्स ने दो फॉर्मूलाज बनाया है और इन फॉर्मूलाज के तहत जो टॉट फीजर है, जो रॉन्ग डूअर है, उसके लाइबिलिटी को डिसाइड किया जाता है, राइट। सबसे पहला है
टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। एंड सेकेंड वन इज टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ थॉट पीसेस इन केस देयर इज मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज टॉर्शियस एक्ट। राइट, तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी क्या कहता है कि एक गिवन सिचुएशन में जो टॉट फीजर है, जो रॉन्ग डूअर है, वो ये एंटिसिपेट कर ले रहा है कि उसके इस टॉर्चियस एक्ट के ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जिस हद तक वो सोच सकता है, या उसके जगह पे कोई ऑर्डिनरी पर्सन रहता तो वो सोच सकता कि हाँ उसके एक्ट के ये संभवतः परिणाम हो सकते हैं, तो ही इज लाइबल अप टू दैट एंटिसिपेशन, अप टू दैट प्रिजम्पशन। दिस इज वॉट द बेसिक्स ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। दूसरा क्या है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस कहता है कि नो, हम यहां पे फोर्सिबिलिटी या अनफोर्सिबिलिटी इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। Whether the tortfeasor or wrongdoer is able to anticipate the possible consequences or not, उसके tortious act के वजह से जितने भी consequences होते हैं जो कि directly related हैं उसके tortious act से, तो वो उन सभी direct consequences के लिए liable होगा, भले ही वो anticipate कर सके या ना कर सके। For example, if this is a person और इसने कोई एक्ट किया जिसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस थे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये जो पर्सन है जिसने एक्स एक्ट किया, तो जो भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हुए उन सभी के लिए ये पर्सन क्या है, लाइबल है। दिस इज द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। तो टॉट फीजर और रॉन्ग डूअर under test of directness is liable for all the consequences which are associated with his original tortious act। ठीक है, अब इसे लेकर के हमारे पास एक केस है रीपोलेमिस एंड फर्नेस विधि एंड कंपनी। Now, what was held in this case? इस केस में जो डिफेंडेंट था उसके जो एम्प्लॉयज थे वो एक बड़े शिप में कार्गो लोड कर रहे थे और नेग्लिजेंटली उनके हाथों से एक बड़ा वुडन प्लैंक फॉल कर जाता है वॉइल लोडिंग इन टू द कार्गो शिप। अब वो जो वुडन प्लैंक है वो नीचे गिरता है और किसी चीज से टक्कर हो जाता है जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है और एक स्पार्क जनरेट होता है, चिंगारी। और आसपास जो थे वो पेट्रोलियम गैलन्स क्रूड ऑयल्स रखे हुए रहते हैं, तो मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। राइट, सब्सटेंशियल डिस्ट्रक्शन होता है और चारों तरफ ब्लास्ट जैसा होता है। तो शुरुआत में जब ये मैटर आर्बिट्रेशन में जाता है तो इट वॉज हेल्ड दैट the reasonable unforeseeability of outcome meant that defendant was not liable for cost of ship। तो arbitration में ये कहा जाता है कि जो भी चीजें हुई वो unforeseen थी, उसे कोई person anticipate नहीं कर सकता था कि एक छोटे से act की वजह से massive destruction हो जाएगा। तो initially defendant को liable नहीं ठहराया गया for that destruction, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ अपील ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अप्रोच को अडॉप्ट किया एंड असेसिंग लायबिलिटी हियर एंड सब्सिक्वेंटली हेल्ड दैट डिफेंडेंट वाज लायबल
for all the consequences that had resulted from his negligent actions. तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि हाँ जो आउटकम था इट वॉज अनफोर्सीन, इट कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड बाई एनी ऑर्डिनरी पर्सन, एंड वॉट वॉज डन इट वॉज डन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन. लेकिन जो डिफेंडेंट के एम्प्लॉयज थे उन्हें कहीं ना कहीं ये तो पता होगा कि अगर उनके हाथ से जो वुडन प्लैंक है वो स्लिप होता है और गिरता है जमीन पे तो उसके कुछ डैमेजेस तो हो सकते हैं, और जो कुछ भी किया गया वो नेग्लिजेंटली किया गया, जो कंडक्ट था वो रॉन्गफुल था, वो रैश था, इसलिए सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो जो एम्प्लॉयज हैं वो लाइबल हैं. तो इस तरह से जो डिफेंडेंट है वो भी लाइबल है. तो बेसिकली कोर्ट ने ये कहा कि व्हाट वाज डन वाज नेग्लिजेंटली, इट वाज रॉन्गफुल कंडक्ट, और क्योंकि हम कुछ हद तक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमारे इस एक्शन का ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है तो इसलिए जो डिफेंडेंट है वो सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लाइबल है. तो ये केस है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का. बाद में कोर्ट ने ये रियलाइज किया कि इट इज नॉट फेयर और हम किसी एक पर्सन को मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये अननेचुरल होगा, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा. इसलिए हमारे पास एक केस है और वो केस है ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड, ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मॉड्स डॉक्स एंड कंपनी. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. लॉ ऑफ टॉट्स में 4-5 क्लासेस और चलेंगी, और इस तरह से हम लॉ ऑफ टॉट्स के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं. और यकीन मानिए अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो एग्जाम हॉल में आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे. ठीक, और मैं एक ही बार पूरा PDF नोट्स बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये जो केस है ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मॉड्स डॉक्स एंड कंपनी, इसे वेगन माउंट केस कहा जाता है. इस केस में बेसिकली टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी पर जोर दिया गया और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को हटा दिया गया, केवल एक पैरामीटर सेट किया गया रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के केस में. टॉट फीजर के लाइबिलिटी को अगर हम डिसाइड करेंगे तो केवल हम इस फॉर्मूला के बेसिस पर डिसाइड करेंगे, वी विल नॉट कंसीडर दिस टेस्ट व्हिच इज टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस. तो वेगन माउंट केस में क्या था कि एक बड़ी सी शिप थी, उसके कुछ क्रू मेंबर्स थे. उस बड़े सी शिप में क्रूड ऑयल्स रखा गया था और कहीं से शिप में जो क्रूड ऑयल्स रखा गया था उसमें लीकेज हो जाता है, और जैसे जैसे शिप आगे बढ़ती है तो ये जो लीकेज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो पीछे पीछे होता रहता है, शिप आगे बढ़ती रहती है. और बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो लीकेज था वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पे पहले से ही शिप के रिपेयरिंग वर्क चल रहे होते हैं, बिल्डिंग का काम चल रहा होता है. अचानक से बिल्डिंग करते समय स्पार्क निकलता है, और क्योंकि जो वाटर था वो ऑलरेडी उसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे वो फैल गए थे, तो एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है. तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो व्हाट वाज डन, उसमें किसी भी तरह से जो क्रू मेंबर्स हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं है, राइट, और ये अनफोर्सीन है, हम इसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि छोटे से लीकेज के वजह से
इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इस केस में टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को नहीं अप्लाई किया गया और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी को अप्लाई किया गया और ये कहा गया कि जो कुछ भी हुआ वो अनफोर्सिबल था, इसलिए डिफेंडेंट यानी क्रू मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर द डैमेज। ठीक है, तो ये था रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और दो फॉर्मूलाज जिनके बेसिस पर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के तहत टॉर्टफीसर के लायबिलिटी को डिसाइड किया जाता है। अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करी। अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको दूसरों से अलग लगते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करिए। अगर आपका कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आईडी है RA.JAN9827। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।